હવે સમાચારમાં આગળ વધીએ તો લંડનથી આવેલા 15 વર્ષના કિશોરને ઓમિક્રોન થયા બાદ ગુજરાતમાં ઓમિક્રોનના કેસની સંખ્યા 13 ઉપર પહોંચી ગઈ છે. દેશભરમાં ઓમિક્રોનની સંખ્યા પણ વધી રહી છે અને દિલ્હીમાં પણ જે રીતે આજે સવારે 2 વધુ કેસ આવ્યા છે ઓમિક્રોનના અને દિલ્હી રાજધાનીમાં જે રીતે ઓમિક્રોનના કેસીસ વધી રહ્યા છે ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે ઓમિક્રોનનો જે વાયરસ વેરિયન્ટ છે, કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ છે, તેના કારણે દેશભરમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. કારણ કે દેશમાં છેલ્લા 3 દિવસ દરમિયાનમાં લગભગ જે પ્રકારનું સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે, સંક્રમણ વધી રહ્યું છે અને જે ઝડપે આ વધી રહ્યું છે ઓમિક્રોન, તેના કારણે સમગ્ર દેશમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. કારણ કે દેશભરની સ્થિતિ પર નજર નાખીએ તો દેશમાં લગભગ 160ની આસપાસ કેસ પહોંચી ગયા છે. દિલ્હીમાં જે રીતે કેસીસ વધી રહ્યા છે ઓમિક્રોન પોઝિટિવના, તેના મામલે અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે અમારા દિલ્હીના વરિષ્ઠ સંવાદદાતા અજીત શ્રીવાસ્તવ. અજીતજી, જીસ તરફ સે રાજધાની મેં ઓમિક્રોન કે કેસીસ આ રહે હૈ ઓર પિછલે કઈ દિનો સે દેખા જા રહા હૈ કે જો જો કેસીસ આ રહે હૈ ઉસમે 3 દિન મેં WHO ને ભી બતાયા કે 3 દિન મેં જીસ તરફ સે કેસીસ બઢ રહે હૈ, સ્પ્રેડ હોને કી જો માત્રા હૈ વો ભી બઢ રહી હૈ, તો દિલ્હી મેં જો કેસીસ આજ સુબહ આયે 2, ઉસકી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ક્યા થી? देखिए, ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में तो जानकारी अभी निकाली जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय वो खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां देता है, लेकिन जिस हिसाब से अगर केसेस की बात करें, लगातार जो केसेस हैं वो लगातार केसेस बढ़ते रह जा रहे हैं. खासकर हम कहें तो जिस हिसाब से 24 घंटे के अंदर जो 69 केसेज आए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आए हैं, लेकिन ये सारे कोरोना पॉजिटिव हैं. अब इनके सभी के जीनोम टेस्ट के लिए भेज दिया गया. फिलहाल अभी इसमें से कितने जीनोम पॉजिटिव होते हैं, यानी ओमिक्रॉन के कितने केसेज निकलते हैं, ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जीनोम का जो टेस्ट का रिपोर्ट है उसे 5 से 6 दिन में आता है और उसकी रिपोर्ट के आने के बाद से पता चल पाएगा कि इसमें से कितने लोग इस जीनोम से, यानी ये टेस्ट आने के बाद से पता चलेगा कि कितने लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं. लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से तमाम केसेज आए हैं दिल्ली के अंदर, अभी तक टोटल की बात कर ले हम तो 107 केसेज हैं जिस हिसाब से कोविड के हैं, और उसमें से 22 ऐसे मामले हैं जो ओमिक्रॉन के हैं. तो ओमिक्रॉन के 22 मामलों पे हैं जिस पे फिलहाल इलाज है, चिंता बनी हुई है. सरकार जिसको देखते हुए आज ये बैठक भी कर रही है, 11:30 बजे बैठक शुरू हो चुकी है. तो दिल्ली जिला मैनेजमेंट जो है वो बैठक कर रही है, खासकर LG की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है. खुद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और साथ ही साथ उनके साथ तमाम जो एजेंसियां दिल्ली के अंदर हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं. यहाँ पे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, कैसे प्रिकॉशन और बरतना चाहिए, किस हिसाब से नियम कानून सख्ती करनी चाहिए, और जो टीकाकरण है उसको तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि उसकी बात चल रही है. हो सकता हो कि जो वीकली मार्केट है उस पर रोक लगा दी जाए और दुकानों के अंदर जो लगातार भीड़ जमी होती है, इकट्ठा हो जाती है, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होना अनिवार्य होगा, इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं. लेकिन फिलहाल मीटिंग जो चल रही है, मीटिंग के बाद से ये कंफर्म होगा कि आखिर क्या कुछ नियम कानून बनाए जा रहे हैं और कैसे कैसे ये नियम कानून बनाते हुए काम किए जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल जो बैठक है, बैठकों का दौर जारी है और चिंता का विषय बना हुआ है कि ओमिक्रॉन से जिस तरह से तमाम समस्याएं लोग COVID-2 में बढ़ते हुए हैं, भुगते हुए हैं, उसकी स्थिति यहां पर ना हो, इसलिए उसको एहतियातन तौर पर संभाल लिया जाए वो बेहतर होगा. तो संभालने के लिए जो है वो तमाम नियम कानून या सख्ती से पालन करने की बात यहाँ पर की जा रही है. लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अभिजीत जी आपको बता दें कि जो ये केसेस बढ़ रहे हैं उसकी जो वजह पता चली है वो भी काफी चौंकाने वाली है. वजह साफ तो पता नहीं कि जो लोग फ्लाइट से उन जगहों से जो आ रहे हैं जिन देशों में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़े हुए हैं, यानी प्रभावित जो कंट्रीज है वो अब इंटर स्टेट फ्लाइट चेंज कर वो आपस दिल्ली में आ रहे हैं या अन्य हम कहें तो देशों में जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इंटर स्टेट फ्लाइट चेंज होने से अब उसमें डिडक्शन होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं चेकिंग के दौरान जो खामियां देखी जा रही हैं उस वजह से ये केस सामने आ रहे हैं. ये भी एक वजह है जिस हिसाब से ओमिक्रॉन फैल रहा है पूरे देश में. तो साफ तौर पर है कि अब सरकारों को एहतियातन तौर पर उन तमाम पासपोर्ट को भी चेक करना होगा कि जो लगातार
ट्रेवल हिस्ट्री में सफर करते नजर आ रहे हैं और ट्रेवल में लगातार अगर इंटर स्टेट में फ्लाइट लेकर चेंज कर और वो आगे जिस तरह से सफर करते नजर आ रहे हैं तो उन पर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे इस तरह की वारदात ना हो सके, क्योंकि वो लोग का फायदा ये होता है ट्रेवलर का कि कम से कम जो क्वारंटाइन होने का डर है वो क्वारंटाइन ना होना पड़े। उस चक्कर में बचने के लिए तमाम जो लोग हैं ये ट्रेवलर वो इंटर स्टेट फ्लाइट चेंज कर अब सफर करते नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, चिंता का विषय है कि उस पर लगाम कैसे लगानी होगी। अब सरकार का मंथन इस पर ही होगा, केंद्र सरकार इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इसको लेकर किस हिसाब से एहतियात बरतता है और तमाम एयरपोर्ट पर इस तरह की चेकिंग करवाता है। अभिजीत जी, जी अजीत जी, सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली में जो राजधानी है, राजधानी में स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं और जिस तरह से पॉल्यूशन की जो सिचुएशन थी उसके बाद रीओपन हुई है और कई स्कूल्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डीडीएमए की जो मीटिंग हो रही है एलजी की अध्यक्षता में और ओमिक्रॉन के केस भी सामने आ रहे हैं, तो इसको लेके भी कोई चर्चा होने की संभावना है क्या? देखिए साफ पर है कि चूंकि ये जो ओमिक्रॉन है वो 40 साल से नीचे के लोगों को इफेक्टिव कर रहा है। अभी तक ज्यादातर जो केस हैं वो हम कहें तो 40 साल से नीचे वाले के हैं जो लोग प्रभावित हो रहे हैं ओमिक्रॉन को, तो कहीं ना कहीं एक डर का विषय है और पेरेंट्स गार्जियन जो स्कूलों में अपने बच्चे को भेज रहे हैं उन पे सब पे ये लिखवा के दिया जा रहा है कि अगर कोई भी जिम्मेदारी होती है या तबीयत खराब होती है तो पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार होगा, एक तरह का एफिडेविट स्कूल ले रहा है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अभी भेजने से बच रहे हैं। तो अब जो बैठक हो रहा है इस बैठक के बाद से अब नतीजों का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ नतीजे सामने निकल के आते हैं, क्या कुछ नियम कानून या सख्ती से निपटने के लिए प्रबंध सरकार कर रही है, क्या स्कूल फिर से बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कितने काम और शुरू होने चाहिए या बंद करने चाहिए। तमाम इन मसौदों के साथ अभी कुछ देर बाद ही हो सकता हो कि सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए या फिर सत्येंद्र जैन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। तो कोशिश यही है कि उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल खुद यानी दिल्ली के सीएम भी आज दोपहर बाद पीसी कर सकते हैं और तमाम बातों की जानकारी साझा कर सकते हैं कि आखिर आज की मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए और क्या इस पर रोक लगाएगी और किन किन संस्थानों को खोला गया या बंद किया गया। अभिजीत जी, जी अजीत जी, सवाल आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं राजधानी में, तो इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार क्या एहतियात के कदम उठा रही है और क्या क्या एसओपी जारी कर दी गई है कि जिस तरह से आपने बताया कि इंटर स्टेट फ्लाइट से आ रहे हैं या हाई रिस्क कंट्रीज से भी आ रहे हैं और ट्रेन से भी लोग आ रहे हैं, अगर दूसरे स्टेट्स में आए हैं तो वहाँ से दिल्ली आते हैं, तो उन लोगों को किस तरह से ट्रेस करके टेस्टिंग किया जा रहा है, उसकी कोई एसओपी जारी कर दी गई है क्या? देखिए एसओपी की बात करें अभिजीत जी, तो एसओपी जारी करने का वक्त आ चुका है क्योंकि सरकार को अब सख्ती से कदम निपटना पड़ेगा, क्योंकि चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो या चेन्नई हो या फिर दिल्ली हो, तमाम जो अगर हम कहें तो इन जगहों पर प्लेन की आवाजाही सबसे अधिक होती है, इंटर स्टेट की जो फ्लाइटें चलती हैं सबसे अधिक होती है, क्योंकि जिन राज्यों में आपका ओमिक्रॉन है उन राज्यों से जो लोग चलने वाले हैं वो अलग स्टेट में जाकर अपना प्लेन चेंज कराकर ट्रेवल स्टेट चेंज कराकर फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग पर लगाम लगानी होगी और ऐसे लोग को खासकर क्वारंटाइन की जगह एक मुकर्रर करके वापस इनको अपने देश में दिया जहां से वो ट्रेवल करके आ रहे हैं उनको वापस भेज देना चाहिए। इसलिए सरकार को इस तरह के कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर इस तरह की जो फैलते बीमारी से रोक लग सकता है। लेकिन अभी तक की बात करें हम तो एयरपोर्ट हो या तमाम जगहों पर फिलहाल आरटीपीसीआर टेस्ट ही हो रहे हैं, कुछ चेकिंग हो रही है, लेकिन अब अगर थोड़ी सी सख्ती नहीं उठाएगी सरकार तो कहीं ना कहीं फिर से हमें वही कोरोना 2 की तरह ही समय देखना ना पड़ जाए। इसलिए हमें सबको सचेत भी रहना होगा और अलर्ट रहना होगा। दिल्ली सरकार का जो दावा है, जैसा कि आपने सवाल किया दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली सरकार लगातार अपनी तरफ से कदम उठा रही है और कह रही है कि ये जो कोरोना है या फिर ओमिक्रॉन बाहर से आते हैं तो बाहर पे लगाम लगाने का काम केंद्र सरकार का है और उनको अगर केंद्र सरकार लगाम नहीं लगा पाती तो खामियां उनकी होती है, लेकिन दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, अगर ऐसे कोई भी सीवियर पेशेंट होते हैं तो सबका इलाज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभिजीत ये है कि यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी ओमिक्रॉन के अभी तक मरीज हैं कोई ऐसे पेशेंट ऐसे नहीं है जो सीवियर हालात में पाए गए हों, फिलहाल उनको जो है सर्दी, गले में खराश या हल्का फुल्का खांसी जैसा ये सिम्टम पाया जा रहा है, यानी अगर आपको हल्की फुल्की भी सर्दी हो तो आप से निवेदन है, इंडिया न्यूज को देखने वाले सभी लोग को दर्शकों को निवेदन करता है कि वो लोग तुरंत टेस्ट कराएं, जैसे
इस बीमारी से हम लोग तुरंत निपट सके। तो कोशिश यही रहेगा कि तमाम जो लोग हैं वो लोग ये तमाम तरह से बीमारियों को अपने पास छुपाए नहीं, क्योंकि अगर छुपाएंगे तो दिक्कतों का सामना उनके परिवार, उनके साथ तमाम मोहल्ले वालों को करना पड़ सकता है। तो एहतियात हमें भी बरतना पड़ेगा, लेकिन सरकार जिस हिसाब से वो तैयारी कर रखा, हॉस्पिटल में भी तैयारियां पूरी हो रखी है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन बीमारियों को आप घर पर भी रह के ठीक कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की बात अभी तक नहीं बताई जा रही है। जैसा कि WHO ने भी बताया कि ऐसा कोई सीवियर केस नहीं है, लेकिन एहतियात और बचाव हमारे हाथ में है, इसलिए हम सबको एहतियात और बचाव अपने साथ करके चलना होगा, तभी हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी आपने जो जानकारी दी, और आप भी ख्याल रखिए क्योंकि आप फील्ड में घूम रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप भी ख्याल रखिए अपना। तो दर्शक तो जे रीते हमारा वरिष्ठ संवाददाता अजीत श्रीवास्तव, क्योंकि दिल्ली में जे रीते केसेस वधी रहा है, तो बीजा राज्यों में पण फ्लाइट चेन्ज कर आवनारा विदेश थी आवनारा लोको छे, हाईरिस्क कंट्रीज में आवनारा लोको छे, तो तमामे तमाम लोकोने सावचेती ए आपणा सौनी नैतिक जवाबदारी छे। तो आपणे सौए पण आ बाबते सचेत रही, जागृत रही, अने आपणे पण तेना जे नियमो जारी करवामां आव्या छे राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा, तेना कड़कमां कड़कपणे अमल करीने आपणे पण पोतानी जातने साचवी अने लोकोना स्वास्थ्यने पण साचवानी आपणी जवाबदारी छे। तो आपणे पण आ नियमोनुं पालन करवुं जरूरी छे।